हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। इसके पहले के पार्ट में हमने बात किया था एकदम बेसिक वर्ड को यूज करते हुए एकदम लेमैन की भाषा में कि क्या होता है एंजाइना, ये कॉज कैसे होते हैं, इनके कॉज होने के पीछे की एटियोलॉजी क्या है, इनके सिम्टम कैसे देखने को मिलेंगे और हम इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें इंक्लूड किए थे। तो आज का ये जो ये वीडियो है उसी वीडियो का अगला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि इस एंजाइना के कितने कितने टाइप होते हैं और वो हर एक टाइप के क्या क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे इन तीनों टाइप के एंजाइना में एक दूसरे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हुए। इस वीडियो के लास्ट में आपको दो चीजें नहीं मिलेंगी, एक हम आपको बताएंगे इनके कॉज के बारे में मॉडल को यूज करते हुए कि व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज एथेरोमा और ये इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है आपके एंजाइना को कॉज करने में। दूसरा हम आपको इन दोनों इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन आप देखने वाले हैं इनके बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंस को कंसीक्वेंस करेंगे एक समराइज टेबल के फॉर्म में, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड, एक बार सिंपल से तरीके से रिवाइज कर लेते हैं एक लाइन में कि एंजाइना होता क्या है। जब कभी भी हमारी बॉडी कुछ एक्सेसिव काम करती है तो उनको ब्लड की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसका पीछे रीजन ये है क्योंकि उस ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन उस टिश्यू तक पहुंचना होता है। पूरी बॉडी तक जो ब्लड सप्लाई कराने का काम है ये हमारा हार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट को भी प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्या सिस्टम है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कराता है? तो कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो प्योर ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाती है ताकि हार्ट इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर सके, न्यूट्रिएंट को यूज कर सके और अपना जो इफेक्टिव असाइंड टास्क है ये पूरा कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इतना ऑक्सीजन कोरोनरी आर्टरी के द्वारा नहीं पहुंच पाता। इसके पीछे की कुछ भी रीजन हो सकते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो इन दो रीजन में से चाहे वो स्पाज्म की वजह से हो, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो, चाहे वो एक्सरसाइज के इंक्रीज हो जाने की वजह से हो, जब हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तब हमारा हार्ट वहां पे एक पेन करना शुरू करता है। चेस्ट के लेफ्ट साइड में आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि रेडिएट हो सकते हैं आपके नेक पे, जॉ पे या फिर आर्म पे। तो ऐसे चीजों को, ऐसे सिम्टम को हम कोलैबोरेट करके एक साथ कह सकते हैं कि ये एंजाइनल सिम्टम है या एंजाइना का सिम्टम है या इसी को एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम ये जानेंगे आज की वीडियो में कि कितने टाइप के एंजाइना होते हैं, ये कॉज कैसे होते हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट के मैटर में। आज का जो ये नोट्स है, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन है, इसका रेफरेंस हमने लिया हुआ है लिपिन कॉर्ड की लेटेस्ट एडिशन से। तो अगर आप इनके बारे में और ज्यादा डिटेल जानना चाहेंगे तो लिपिन कॉर्ड को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश कुमार की बुक भी रिकमेंड करेंगे क्योंकि उनमें कुछ पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम एंजाइना को क्लासिफाई करना चाहेंगे उनके पैटर्न के हिसाब से, उनके फॉर्म के हिसाब से, तो हम इनको मेन रूप से तीन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लास होगा क्लासिकल एंजाइना, दूसरा होगा अनस्टेबल एंजाइना और तीसरा होगा हमारा प्रिंजमेटल या तो रेस्ट एंजाइना। इन तीनों क्लासिफिकेशन में से जो दो क्लास हैं, पहला और आखिरी यानी कि क्लासिकल और प्रिंजमेटल एंजाइना, इनके एक से ज्यादा टर्मिनोलॉजी हैं, एक से ज्यादा नाम हैं और हमने ये कई बार हमारे वीडियो में रिपीट किया है। एक बार आपके और जानकारी के लिए रिपीट करते हैं, जब कभी भी किसी टर्म्स के एक से ज्यादा सिनोनिम्स होते हैं तो वो टर्म्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी भी एग्जाम में, चाहे वो जीपेट हो, फार्मासिस्ट हो या आपके सिलेबस का एग्जाम क्यों ना हो, उनके मेन नाम को स्किप करके उनके अदर नाम से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स को समझा होगा तो किसी भी नाम से पूछें आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन के अलग अलग नाम क्या हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल एंजाइना की। तो क्लासिकल एंजाइना को हम कुछ और नाम से भी जान सकते हैं, ये अदर नाम है एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना, टिपिकल एंजाइना या तो फिर स्टेबल एंजाइना। कभी भी किसी भी कंडीशंस को दो या दो से अधिक नाम देने के पीछे लॉजिकल होता है, उनके सिम्टम्स के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके पैटर्न के हिसाब से हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो ये नाम आपको समझाएंगे कि ये किस तरह के एंजाइना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये है एफर्ट इंड्यूस्ड एंजाइना, मतलब एक ऐसा एंजाइना ये जो तब इंड्यूस होता है जब हम एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट कहने का मतलब हमारे एक्सेसिव एक्सरसाइज से है,
फिजिकल एक्टिविटी से है, जब हमारी बॉडी कोई एक्सरसाइज करती है तो इस बॉडी को ज्यादा सर्वाइव करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ज्यादा ऑक्सीजन चूंकि ब्लड में डिजॉल्व है इसलिए हार्ट पंपिंग के रेट को बढ़ा करके, हार्ट रेट को बढ़ा करके उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे टिश्यू तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर जितना एफर्ट लगा रहे हैं हम उतने एफर्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन मिल रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसी तरह का पेन का। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या काफी ऊंचे चढ़ाई करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, कभी आप जब पहाड़ या मंदिर वहीं कहीं जा रहे होंगे तो आपने ये फील किया है कि थोड़ी देर बाद जब आपकी सांसें भरने लगती है तो आपको हल्का सा एक चेस्ट पेन जैसा होने लगता है, एक प्रेशिंग स्क्वीजिंग फील होने लगता है। ये जो फील है वो एंजाइना के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली है, लेकिन ये भी आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंजाइना है, ये हम पेन के सिमिलरिटी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ऐसा एंजाइना जो कि एफर्ट लगाने की वजह से हुआ, जो कि एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ, फिजिकल एक्टिविटी के रेट को बढ़ा देने की वजह से हुआ, तो ऐसे एंजाइनल पेन को हम कहते हैं एफर्ट इंड्यूस। क्यों एफर्ट इंड्यूस? क्योंकि ये एंजाइना पेन हुआ कब? जब आपने एफर्ट लगाया, तो ये एंजाइना एफर्ट लगाने की वजह से इंड्यूस हुआ है, एफर्ट की वजह से शुरू हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ एफर्ट इंड्यूस एंजाइना। दूसरा नाम है वो है टिपिकल। तो टिपिकल कहने का मतलब ये है कि ये एक एंजाइना का ऐसा टाइप है, क्लासिकल एंजाइना, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म में है। तो चूंकि ये सबसे कॉमन फॉर्म में पाया जाता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है, यूजुअली पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आपका टिपिकल एंजाइना। तो तीसरा वर्ड है वो है स्टेबल एंजाइना। इसका क्या मतलब हुआ? स्टेबल एंजाइना मतलब एक ऐसा एंजाइना या ऐसा एंजाइना का पेन या ऐसा एंजाइनल पेन जो कि थोड़ी देर बाद स्टेबल हो सकता है। स्टेबल मतलब वापस से नॉर्मल कंडीशन में रीस्टोर हो सकता है। ये क्यों होगा, कैसे होगा? इसका आंसर आपको इस नाम से मिल रहा होगा। क्योंकि आपने एफर्ट लगाया है इसलिए आपको पेन कॉज हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपके हार्ट ने एक्सेसिव वर्क लगाया, लेकिन इस हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी, इसके या तो स्पाज्म की वजह से या तो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये प्रॉपर ऑक्सीजन के एडिक्वेट अमाउंट को पहुंचा नहीं पाता है, तो इसके कारण से एंजाइना हुआ। तो स्टेबल एंजाइना क्या मतलब हुआ? जब एफर्ट की वजह से इंड्यूस हुआ है तो ये एफर्ट जब कम हो जाएगा, जब आप रेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये एंजाइनल पेन धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा, इसीलिए इसको स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप कुछ एक्सेसिव वर्क करते हैं तो पेन शुरू होता है, और जब आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक जाने के बाद, पेन होने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करते हैं तो ये पेन चला जाता है, फिर से आप लगा करके काम करना शुरू करते हैं। इसलिए इनके तीन नाम आपको जस्टिफाई करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी काफी मदद करेंगे। चलिए अब हम इनके यानी कि क्लासिकल एंजाइना के कुछ बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं, जो कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना। जैसा कि हमने इसके नाम को जस्टिफाई करते हुए कहा कि जितने भी एंजाइना हैं उनके फॉर्म हैं, उनके टाइप हैं, उनमें सबसे कॉमन एंजाइना का टाइप हमारा यही क्लासिकल एंजाइना, या तो इसको हम टिपिकल एंजाइना के नाम से भी जान सकते हैं। तो एग्जाम में आपको काफी संभावना है, व्हाट इज एफर्ट इंड्यूस एंजाइना, व्हाट इज क्लासिकल एंजाइना, व्हाट इज आपका स्टेबल एंजाइना, ये आपके नाम को चेंज करके आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल रहिएगा। दूसरा है इनके कैरेक्टराइजेशन कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि ये इस तरह के एंजाइना है या ये जो पेन जनरेट हो रहा है वो एंजाइनल पेन है, ये कैसे पता लगाएं? तो उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एकदम फिक्स्ड टाइप के सिम्टम है, जैसे बर्निंग, आपके हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होगा, जैसा कि आपने कभी एसिडिटी के केस में फील किया होगा, तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना जरूरी है और आसान भी है। हैवी और स्क्वीजिंग फीलिंग ऑफ चेस्ट, आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेस्ट में कुछ भारी चीजें रखी गई हैं, या आपके चेस्ट में कुछ एक्शन जैसा फीलिंग हो रही है, स्क्वीजिंग को इसको निचोड़ने जैसा फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग्स आपने फील किया होगा, एक पिन के चुभने के जैसा फीलिंग फील किया होगा जब आप काफी ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं और आपके लेफ्ट साइड के चेस्ट में पेन होने लग जाता है। ये जो है, ये जो फीलिंग्स हैं आप या आपको सिम्टम है, ये सिम्टम जनरेट होंगे, लेकिन ये सिम्टम के सारे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे, थोड़ी देर में ये अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे जब आप रेस्ट करेंगे। तो इसके अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो ये कॉज कैसे होते हैं? जो आपके स्टेबल एंजाइना है या क्लासिकल एंजाइना है, एफर्ट इंड्यूस एंजाइना है या टिपिकल एंजाइना है, ये कॉज कैसे होते हैं? इनके कॉज होने के पीछे का बेसिक लॉजिक ये कहता है कि डिक्रीज ऑफ कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन, ये मेन पंच लाइन है। कोरोनरी आर्टरी का मेन काम होता है कि वो प्योर ब्लड को आपके हार्ट के डिफरेंट टिश्यूज मसल्स तक पहुंचाए, ताकि हार्ट इनमें डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हुए अपना काम अच्छे से करे। अपना काम अच्छे से करे कहने का मतलब है कि उसका काम है पंपिंग करना, ताकि वो एक एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचा सके।
इस ब्लड में याद रखिएगा ऑक्सीजन डिसॉल्व है, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है और भी काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व हैं। तो अल्टीमेटली ये डिसॉल्व ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी तक पहुंचेगा हार्ट के कारण से। तो इस हार्ट को भी अलग से ब्लड सप्लाई करने का काम करता है हमारा कोरोनरी आर्टरी। तो ये प्रॉपर परफ्यूजन नहीं होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में डिसॉल्व ब्लड का हार्ट के टिश्यूज तक, सेल्स तक, मसल्स तक प्रॉपर डिफ्यूज ना होने की वजह से, परफ्यूज ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो कि आपके एंजाइना के पेन को कॉज कर सकता है। विच कैन अफेक्ट बाय वर्कआउट या वर्कलोड कह लीजिए या तो इमोशनल कंडीशन की वजह से। तो ये क्यों जनरेट हुआ, ये तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन मिला नहीं, लेकिन क्यों? नाम से स्पष्ट हमने समझाया आपको, क्योंकि आपने एक्सरसाइज को या वर्कआउट को या वर्कलोड को बढ़ा दिया है, या तो कुछ ऐसे इमोशनल कंडीशन होते हैं जहां भी आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसा कि हमने आपको पिछले सेमेस्टर के वीडियो में बताया था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाने की वजह से हमको ज्यादा भागने की जरूरत पड़ती है, वहां से स्केप होने की जरूरत पड़ती है, तब आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और इस समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई आपके हार्ट को तो वो एक एंजाइनल पेन कॉज कर सकता है। इसी पॉइंट को समझाने के लिए हमने यहां पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम हमें किसी बुक से नहीं लिया हुआ है, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एकदम जस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए। आपको समझाने के लिए हमने यहां पे दो ब्लड वेसल के एग्जांपल लिए हैं। आपके लेफ्ट साइड जो ब्लड वेसल दिख रहा है ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, इसमें किसी तरह का एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोमा या प्लैक कहीं कोई डिपॉजिट नहीं है, जबकि दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं दिस इज एथेरोमा, एक प्लैक जमा हुआ है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसा ही हमारा ब्लड इस नॉर्मल वेसल से पहुंचता है, इस ब्लड में डिसॉल्व ऑक्सीजन आपके स्मॉल स्मॉल पोर्स के थ्रू आपके कैपिलरी से डिफ्यूज होते हैं और उस टिश्यू तक पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये टिश्यू इस ऑक्सीजन को यूज करते हुए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर प्लैक जमा होता है, अगर इस तरह से कोई रिकवर कॉज होती है, तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है इसका परफ्यूजन आपके एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्लड वेसल्स के थ्रू परफ्यूजन होने की तुलना में कम होता है। तो अल्टीमेटली हमारे टिश्यू को एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कम ऑक्सीजन मिलेगा। ये एक एक्सप्लेनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उसके कुछ बेसिक कॉज हो गए। अगर हम बात करते हैं रिलीव बाय, कि ये जो एंजाइना है, क्लासिकल एंजाइना है, टिपिकल एंजाइना है, या आपका एफर्ट इंड्यूस एंजाइना है, ये कैसे ठीक किया जा सकते हैं, तो ठीक करने के पीछे को जानना होगा, तो कारण को समझ में आना होगा आपको। कारण आपको समझ में आ ही चुका है कि आपने एफर्ट लगाया है, इसकी वजह से कॉज हुआ है, तो यू शुड टेक अ रेस्ट। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, या तो आप रेस्ट करके इस एंजाइना पेन को कम कर सकते हैं, या तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन लेना होगा जो कि एक आपके कोरोनरी के वेसल्स के डायलेटर के एग्जांपल हैं, तो आप या तो रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस को कम होने दीजिए, या तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन लेना पड़ेगा। बेसिकली इसके लिए सजेशन नहीं किया जा सकता ज्यादा मेडिसिन, क्योंकि ये रेस्ट करने पे अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, ये अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं इनके सिम्टम्स। इन दोनों का काम करने का तरीका क्या है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, रेस्ट करेंगे तो भी आपकी बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी अब ज्यादा एफर्ट लगा नहीं रही, या तो अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन लेंगे तो ये भी आपके ऑक्सीजन के डिमांड को कम कर देगी। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के डिमांड को कम करके हम आपके एंजाइनल पेन को ठीक कर सकते हैं। अगले हम बात करते हैं आपके दूसरे टाइप के एंजाइना की, यह है आपका अनस्टेबल एंजाइना, इसके एक ही नाम है। अनस्टेबल एंजाइना कहने का मतलब क्या है, ये तो आप इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अनस्टेबल एंजाइना यानी कि ऐसा एंजाइना जो कि स्टेबल के फॉर्म में नहीं है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लासिफाइड बिटवीन स्टेबल एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये जो आपका अनस्टेबल एंजाइना है ये किन दोनों के बीच में क्लासिफाई किया गया है, ये क्लासिफाई किया गया है आपकी स्टेबल एंजाइना के, जिसके बारे में हमने अभी आपको देखा, और अगला देखेंगे हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो एकदम नॉर्मल कंडीशन से लेकर के एकदम सीवियर कंडीशन के बीच का जो स्टेट है, इसी के बीच में इसको क्लासिफाई किया गया है अनस्टेबल एंजाइना को। अगला पॉइंट देखते हैं, चेस्ट पेन इंक्रीज। देखिए यहां पे कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, चेस्ट पेन इंक्रीज किसके साथ, विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि अभी आपका चेस्ट पेन हुआ, उसके एक घंटे बाद पेन हुआ, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है आफ्टर वन आवर। लेकिन इन केस ऑफ यहां एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए था एक के बाद दूसरे के पेन होने में, वो कम होता जाता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी होने की रेट बढ़ने लग जाती है विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ड्यूरेशन।
पेन की इंटेंसिटी यानी कि उसकी जो पेन होने की पॉसिबिलिटी है, यू कहूं कि जो उसका वॉल्यूम है ज्यादा ज्यादा पेन करने वाला है, ये इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन भी है। यानी कि जो पहले मान लीजिए 20 सेकंड्स के लिए पेन होते थे, 20 मिनट के लिए पेन होते थे, तो वो अभी आप बढ़ते जाएंगे। ये जस्ट वैल्यू हमने आपको रैंडम बताया है, रफ बताया है, स्टैंडर्ड डाटा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होंगे आपके इस एंजाइना के, कैसे सिग्नल करेंगे आपको, कैसे पता चलेगा कि आपको एंजाइना की प्रॉब्लम है, और भी खास करके इस तरह के अनस्टेबल एंजाइना की, तो इनके जो सिग्नल हैं वो ये हैं कि रेस्ट एंजाइना जो कि अभी हम बात करने वाले हैं, ये अगर आपका 20 मिनट से ज्यादा हुआ, जो कि रेस्ट एंजाइना है, इनके 20 मिनट से ज्यादा देर तक पेन होने की वजह से होगा, न्यू ऑनसेट ऑफ एंजाइना, एक नया एंजाइना पेन शुरू हो जाएगा, आपके काम करने की जो एंजाइना की स्टार्ट होने की रेट है वो तुरंत हो जाएगी, काफी फ्रीक्वेंसी जैसे हमने आपको बताया वो होगा, विथ इंक्रीजिंग एंजाइना, जो एंजाइना का अटैक हो रहा है, एंजाइना का जो सिम्टम्स हो रहा है ये इंक्रीज होने लग जाएंगे। और आप बात करते हैं आखिरी में सडन शॉर्ट ब्रेथ, आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, ऐसा लगेगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और अल्टीमेटली आपके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अगले पॉइंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं प्रिंज मेटल एंजाइना की। तो ये प्रिंज मेटल एंजाइना क्या होता है, ये जो प्रिंज मेटल एंजाइना है इनको हम कहते हैं रेस्ट एंजाइना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। और एक चीज छूटा हुआ यहां पे जो हमने पॉइंट के बारे में बात किया था कि आगे बात करेंगे, वो ये है इनका ट्रीटमेंट, कि अगर हम अनस्टेबल एंजाइना के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये अनलाइक आपका स्टेबल एंजाइना, ये रेस्ट करने पे भी ठीक नहीं हो सकते हैं, ये नाइट्रोग्लिसरीन लेने पे भी उतने अच्छे से ठीक नहीं होंगे। तो इनके लिए कौन सा कैटेगरी के ड्रग यूज करें, ये आपको आगे की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए बैक टू प्रिंज मेटल एंजाइना, दिस इज अनकॉमन पैटर्न, जनरली ये कॉमन नहीं है, बहुत कम केस में देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है अकर्स एट रेस्ट, जो कि आराम करने पे भी हो सकता है, अगर आप आराम से बैठे हैं, आराम से बिस्तर पे सोए हुए हैं तो भी आपको एंजाइनल पेन कॉज हो सकता है, इसीलिए अनकॉमन है। कंपेयर कीजिए पहले वाले से जो कि एफर्ट लगाने पे हो रहा था, जो कि एक्सरसाइज करने पे हो रहा था और रेस्ट करने पे ठीक हो रहा था, लेकिन इन केस यहां कि जो कि अनकॉमन है, रेस्ट करने के बाद भी ये अकर हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है कॉज, तो इसके कॉज क्या हैं, इसके कॉज है कोरोनरी आर्टरी स्पास्म, कोरोनरी आर्टरी यानी कि ऐसी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होगी, इसमें स्पास्म हो गए हो तब ये प्रॉपर ऑक्सीजन को डिफ्यूज आउट या परफ्यूज आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाएगी हार्ट को, और ये एंजाइनल पेन को कॉज कर सकते हैं। दूसरा ये क्या कर सकते हैं, ये ब्लड सप्लाई को हार्ट के मसल्स तक भी कम कर सकते हैं, या यू कॉम्स के कॉज की अगर बात कर रहे हैं तो हार्ट में ब्लड के सप्लाई का कम हो जाना भी एक आपके अनस्टेबल एंजाइना का एक इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ये या तो स्पाज्म की वजह से या तो आप आगे देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है हार्ट मसल्स। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट कोरोनरी एथेरोमा, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में एथेरोमा जमा हो जाएगा, प्लैक जमा हो जाएगा, और इसी एथेरोमा के जमने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी एथेरोस्क्लेरोसिस का लाइव मॉडल यूज करते हुए हम आपको इस वीडियो के बाद दिखाने वाले हैं, जिसको हमने पहले के वीडियो में भी ऐड किया था, तो अगर आप फ्रेश इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप पार्ट पार्ट करके ही वीडियो देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है नॉट रिलीज्ड विथ, ये जो ड्रग है वो रिलीव्ड नहीं होंगे, ये क्लियर नहीं होंगे, अगर आप चाहे वर्कआउट को कम करें, चाहे आप रेस्ट करें, चाहे आप किस तरह के दूसरे और रेस्टिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें, या आपके हार्ट रेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेंगे, उनको कम करने के बावजूद भी उतना अच्छा से इफेक्टिवली कम नहीं हो पाएगा, ये केस हो गए हमारे आपके अनस्टेबल या रेस्ट एंजाइना के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमको इस तरह के एंजाइना को करना होगा तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको कोरोनरी आर्टरी डायलेटर यानी कि वैसोडायलेटर और जिसके अंदर एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, इनको यूज करना पड़ेगा, या तो हमको यूज करना पड़ेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे ये इन दिनों को अफेक्ट करते हैं, यानी कि क्लासिकल एंजाइना को कैसे अफेक्ट करेंगे हमारे ड्रग, आपके अनस्टेबल एंजाइना को कैसे अफेक्ट करेंगे, और लास्ट में आपके प्रिंज मेटल एंजाइना को कैसे अफेक्ट करेंगे। इनके अफेक्ट करने के कंडीशन को हम समझ सकते हैं विथ यूजिंग अ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। चलिए हम आपको शॉर्ट में दिखाते हैं पुराना वीडियो जिसको हमने अपलोड किया था इसके पहले के वीडियो में, ये दिखाएंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, कोरोनरी आर्टरीज क्या हैं, और कोरोनरी आर्टरी में एथेरोमा जमने की वजह से कैसी प्रॉब्लम होती है और क्या कंडीशन है विद इज यूजिंग स्मॉल टाइप ऑफ मॉडल। सो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज का रेफरेंस हमने बताया लिपिन कॉर्ड से लिया हुआ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में अब हम आपको जस्ट तुरंत दिखाने वाले हैं एथेरोमा का मैकेनिज्म, और ये भी दिखाएंगे कि एकदम कंपेयर कैसे करें हम एंजाइना को एक दूसरे के टाइप के साथ, क्लासिफिकेशन का भी एक इमेज इसमें इंसर्ट कर देंगे। सो फ्रेंड एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, इंजॉइंग योर हॉलीडेज। अब आपके क्लास भी खुलने वाले होंगे, सो हम आपके आने से पहले ही आपके लिए काफी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहूंगा कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी बाय सॉल्यूशन फार्मेसी। तो अगर आप YouTube में सर्च करेंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हर एक रात को 8:30 बजे हम किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके, जो कि फार्मेसी या मेडिकल साइंस से हो, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को लेकर 2 मिनट की वीडियो में समराइज करेंगे कि उसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर न्यू चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब ओनली इफ यू लाइक दैट कंटेंट। सो एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये हमारा हार्ट है और ये हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज वगैरह हैं, तो इनके किसी भी एक पार्ट में एथेरोमा जमा हो जाए। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक वेसल्स ले रहे हैं, ये सिंपली रिसेंबल कीजिए कि ये एक ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि आपको येलो कलर में कुछ जमा हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसे हम मान लेते हैं कि ये प्लैक है। इसी प्लैक का दूसरा नाम होता है एथेरोमा, और किसी भी वेसल्स में इस प्लैक के जमा होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर यहाँ पे ये जो कोरोनरी आर्टरीज है इनके किसी पार्ट में ये एथेरोमा जमा हो जाए तो इससे ब्लड के नॉर्मल फ्लो में प्रॉब्लम होगी, और ये आगे जाकर के आपके ब्लड के फ्लो को डिक्रीज कर सकता है थ्रू द हार्ट। और अगर हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कम होगा तो डेफिनेटली इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे जो ब्लड फ्लो होंगे उनका वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इनका भी वॉल्यूम कम होगा। और आगे जाकर के आप ये भी देखेंगे जब हम बात करेंगे कुछ अदर कंडीशन की, फैट की डिपॉजिट की, तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे ब्लड के नॉर्मल फिजियोलॉजी के फ्लो को भी अल्टर करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मल ब्लड होता तो सीधे यहाँ से निकल जाता, लेकिन ये भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वेसल्स पे कुछ फैट जैसे सब्सटेंस जिसको हम एथेरोमा बोलते हैं ये जमा हो गए हैं, तो इनके कारण से हमारे ब्लड के प्रेशर में एलिवेशन होगा, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कॉज कर रहे हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि ये जो एथेरोमा है यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लैक हमारे ब्लड के फ्लो को दिक्कत कॉज कर सकता है, और ये एक एंजाइना का मेन कॉज है जो कि आप यहाँ के पार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं।